मेहतर वर्मा जी से निवेदन है का स्वागत माननीय प्रभास बघेल जी करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आप सम्माननीय अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हेतु मैं हमारे जनप्रतिनिधियों एवं सम्माननीय नागरिकों को आमंत्रित करने जा रहा हूं। श्री शंकर बघेल जी, श्री कौशल चंद्राकर जी, आप सभी से विनम्र विनती कि आप सामने बने हुए रैंप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। श्री शंकर बघेल जी, श्री कौशल चंद्राकर जी, श्री तुलाराम वर्मा जी, सरपंच मर्रा, अशोक मढ़रिया जी, देवेंद्र गेडाम जी, ताम्रध्वज वर्मा जी, हीरा सिंह ठाकुर जी, भागवत वर्मा जी, महत्तर वर्मा जी, राकेश ठाकुर जी, गायत्री नेताम जी, अशोक साहू जी, जयश्री वर्मा जी, चंद्रशेखर पांडे जी, किशोर चंद्राकर जी, श्री लोकेश परगनिया जी, श्री दीपचंद वर्मा जी, श्री राकेश ठाकुर जी, सुरेंद्र सिंह जी, अश्वनी साहू जी, राजेंद्र साहू जी, तुकाराम साहू जी, अजय तिवारी जी, अश्वनी साहू जी, विष्णु प्रसाद वर्मा जी, सुरेश सिंगौर जी, उमा शंकर निर्मलकर जी, अनूप साहू जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, कमल तिवारी जी, तुकाराम साहू जी, नारायण देवांगन जी, सत्येंद्र देवांगन जी, महेंद्र वर्मा जी, पूरन साहू जी, नेपाल सिंह वर्मा जी, रविंद्र वर्मा जी, आलोक साहू जी, सालिक साहू जी, भूपेंद्र कश्यप जी, रमन टिकरिया जी, हेमूराम महिलांगे, श्री रवि कुमार, देवेंद्र जी, श्री हेमंत कपूर जी, श्री भूषण कौशल जी, श्री पुरुषोत्तम कश्यप जी, श्री चंद्रशेखर चक्रधारी जी, श्री राम कुमार वालवी जी, श्री नीरज सोनी जी, श्री भेष आठे जी, श्री डी के गुरुपंच जी, आप सभी से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। एक अद्भुत बेला है आज कि मर्रा की इसी शाला के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय छात्र रहे हैं और आज अपनी अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी आए शाला में शिक्षा ग्रहण करें। जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष राजन जी क्या नाम बताए, सरोजनी चंद्राकर बहन जी, जनपद सदस्य संध्या वर्मा जी, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष श्री राजेश चटर्जी जी एवं उनके साथी पदाधिकारीगण, हमारे शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष श्री राजेश चटर्जी, प्रांताध्यक्ष श्री आरिफ खान जी, श्री बज्रदीपन दास गुप्ता जी एवं अन्य हमारे सम्माननीय नागरिक जनप्रतिनिधि, लोकेश परगनहे जी, आप सभी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए। सम्माननीय अतिथियों से निवेदन कि वे पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमने पुष्प गुच्छों से
पुष्प मालाओं से अभिनंदन किया हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। आइए शब्दों से अभिनंदन करें। मैं इस हेतु आमंत्रण दे रहा हूं हमारे डीपीआई मर्रा स्कूल के प्राचार्य श्री ठाकुर सर एवं डीआईजी श्री आरएल डांगी सर, आप दोनों से भी निवेदन है कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। श्री आरएल डांगी सर, मैं वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे डीपीआई महोदय माननीय श्री एस प्रकाश सर को कि आप आए और स्वागत अभिनंदन उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज ये प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम यहाँ मर्रा में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर हमारा बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, और इस कार्यक्रम में हमारा बीच अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा शिक्षा मंत्री माननीय सिंह जी, और यहाँ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप पर पधारे विधायक बेमित्रा जी और पूर्व विधायकगण, और इस कार्यक्रम में हमारा बीच हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए विशेष अधिकारी के रूप पर आए आदरणीय कुंबले जी एवं हमारा प्रदेश का इस विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और यहाँ का संभाग आयुक्त और आईजी साहब, और यहाँ मेरे साथी मिस्टर दयानंद और यहाँ का जिला प्रशासन का जिलाध्यक्ष और एसपी साहब और आए हुए सभी पत्रकार बंधु और इस संस्था का प्रिंसिपल साहब और यहाँ का लेक्चरर और इस आसपास का गांव का जितने भी भाई बहनों और प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं सभी को स्वागत करता हूँ। किसी भी देश और प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और शिक्षा से विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का स्कूल शिक्षा विभाग कृत संकल्पित है। प्रदेश में शिक्षा का बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नवाचार कार्यक्रम तैयार किया गया है। शैक्षणिक सत्र ये 19-20 में शुरुआत के साथ ही प्रदेश में महत्वपूर्ण शिक्षा के हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से कई नवाचार कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ भी हो रहा है। कुछ कार्यक्रम यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से हो भी चुका है, तो आप लोगों के सामने भी दिखाई हो रहा है। और अभी ये जितने भी नवाचार कार्यक्रम है पूरा गुणवत्ता में ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा तैयारी किया है। और इसमें इसी मौका पर मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, हमारा स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर की कमी के दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी में घोषणा किए थे 15,000 टीचर का भर्ती करने के लिए, उसको भी हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। अभी 15,000 टीचर का भर्ती के लिए प्रक्रिया चालू है। अधिशीघ्र हमारे पास जितने भी शिक्षक कमी शाला है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो इसी मंशा में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नरवा गरवा गुरुवा बारी की तैयारी और लाइका ला स्कूल पहुंचा महतारी, स्कूल आओ जिनकी ला गद तबे गदबो नवा छत्तीसगढ़। तो इसी को बोलकर मैं मेरा बात को विराम देता हूँ और वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस बेस्ट गैदरिंग। थैंक यू। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये संदेश दिया श्री एस प्रकाश सर ने, और सचमुच हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। हमारे बीच माननीय श्री रुद्र कुमार गुरु जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम इस मंच से स्वागत करना चाहेंगे। माननीय जिलाधीश श्री अंकित आनंद सर से निवेदन कि आप अभिनंदन करें हमारे मंत्री महोदय का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री रुद्र गुरु, स्वागत है माननीय महोदय आपका। माननीय श्री एस प्रकाश सर से निवेदन है कि आप भी माननीय रुद्र गुरु सर का अभिनंदन करें।
हमारे बीच युवा विधायक श्री आशीष छाबड़ा, विधायक बेमेतरा का भी आगमन हो चुका है। माननीय महोदय, आपका भी स्वागत है। श्री संजय अग्रवाल सर से निवेदन है कि आप श्री आशीष छाबड़ा सर का अभिनंदन करें। श्री पांडे सर, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन दुर्ग, आपसे निवेदन है कि श्री आशीष छाबड़ा सर का अभिनंदन करें आप। आप सभी को विदित है कि आज का जो आयोजन है वे विभिन्न ऐप की लॉन्चिंग और उसके साथ साथ हमारे नव प्रवेशी छात्रों को यहाँ पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदित करने की ये बेला है। और भाग्यशाली वे छात्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ प्रवेश दिलाए जा रहे हैं, ऐसे छात्रों को हम इस मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। कुमारी पायल, पिता श्री केशव राम, कक्षा पहली, इन्हें पुस्तक एवं गणवेश दिया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों से इन नन्हे छात्रों को हम आमंत्रित करते हैं। कुमारी पायल, पिता श्री केशव राम, ये कक्षा पहली में प्रवेश लेने जा रही हैं। इनके साथ एक और नन्ही बिटिया है, कुमारी शीतल, पिता का नाम श्री नयन दास, कक्षा पहली। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और नौनिहाल बालक को, राघवेंद्र कुमार, पिता श्री नरेंद्र कुमार, ये भी कक्षा पहली में। जोरदार तालियां बजाएं और इन बच्चों के लिए नए भविष्य के गढ़ने के लिए जो इंतजार हो रहा है वो प्रारंभ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है उसका। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीवांशु कुमार यादव, ये कक्षा छठवीं के छात्र हैं, नव प्रवेशी छात्र, पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा कुमारी दीप्ति वर्मा, हमारी ये बेटी भी कक्षा छठवीं में प्रवेश ले रही है। कुमारी कृति धीवर, ये भी कक्षा छठवीं में प्रवेश ले रही है। इन बेटियों का भी हम स्वागत करेंगे क्योंकि बेटी पढ़ेगी और नया इतिहास गढ़ेगी, ये तो थीम हमारे छत्तीसगढ़ की है ही। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोनम देवांगन, कक्षा नौवीं में हमारी ये बेटी प्रवेश ले रही है, सोनम देवांगन। कुमारी चेतना यदु, हमारी ये बेटियां भी कक्षा नौवीं में प्रवेश ले रही है, हमारी इन बेटियों को भी हम आमंत्रित करते हैं। इसके पश्चात सत्यम कुमार, ये कक्षा नौवीं में प्रवेश ले रहे हैं, कक्षा आठवीं पास कर। ये नन्हे बच्चे जो अपना उज्जवल भविष्य गढ़ने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग ने लगातार वो ऐसे प्रयास किए हैं जिससे हमारे ये बच्चे कल की 21वीं सदी में कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया की रफ्तार के साथ भाग सकें। आज विभिन्न प्रकार के ऐप्स को यहाँ लॉन्च किया जा रहा है और वो ऐप हमारे विभिन्न संस्थाओं ने गढ़े हैं हमारे इन छात्रों को निखारने के लिए, इनके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे उन सम्माननीय शिक्षकों को जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अध्यापन का कार्य किया है, श्री हीरा सिंह जी ठाकुर एवं श्री चैतुराम मटियारा जी, आप दोनों को ससम्मान हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि कृपया आप मंच पर
श्री हीरा सिंह ठाकुर जी एवं श्री चैतुराम मटियारा जी, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अध्यापन का कार्य किया है और निश्चित रूप से इन्होंने एक लीडर गढ़ा है, एक नेतृत्व गढ़ा है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ऐसे शिक्षकों को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर हमारे इन शिक्षकों का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अध्यापन का कार्य किया है, उनको निश्चित रूप से विशेष सम्मान दें। अभी वे छात्र जो अपना नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार हैं, उनका सम्मान हुआ, उन्हें मिठाई खिलाकर, गणवेश एवं पुस्तकें प्रदान कर प्रवेश दिया गया है। आइए हम सम्मान करें उन सम्माननीय शिक्षकों का जिन्होंने छत्तीसगढ़ का लीडर गढ़ा, नेतृत्व गढ़ा, श्री हीरा सिंह ठाकुर जी एवं श्री चैतुराम मटियारा जी। जोरदार तालियां बजाएं। ये वो शिक्षक है जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय को गढ़ा है, पढ़ाया है, अध्यापन किया है और इन्हें इस प्रकार गढ़ा कि आज देखिए आप सभी के सामने वे हमारे लोकनायक के रूप में, जनप्रिय नेता के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए अपने शिक्षकों से। तो सीधी तस्वीरें आपको मर्रा गांव पाटन से दिखा रहे थे, जहां पर स्वाला प्रवेश उत्सव में शिरकत करने के लिए प्रदेश के मुख्य, आपको बता दें, भूपेश बघेल पहुंचे थे और साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय खेल स्तर के खिलाड़ी अनिल कुंबले पहुंचे थे। यहां पर भूपेश बघेल ने उन शिक्षकों को प्रवेश करवाया और उसकी शुरुआत की है जो कक्षा पहली से छठवीं तक के स्टूडेंट्स बताए जाते हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने जिस स्कूल से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्कूल के उनको जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करवाई थी, उन शिक्षकों को अभी सम्मान यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।